बहुत दिनों से हम लोग ये वीडियो प्लान कर रहे थे कि मैं Q&A सेशन करूंगा जिसमें आप लोग जो भी कुछ सवाल मुझसे पूछते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं उनके आपको जवाब दूंगा, पर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस बन नहीं पा रही थी कि मैं ये वीडियो बना पाऊँ। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि एलैबोरेटेड एक वीडियो बना पाऊँ उस चीज़ पे। तो इस वीक से मैं ट्राई करूंगा कि हर वीक के एटलीस्ट एक संडे को मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना पाऊँ जिसमें कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं कमेंट सेक्शन में सबके सवालों का जवाब दूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। पहला सवाल, ये मोस्ट कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है, वो सवाल ये है कि आप लोग जब तक वीडियोस देखते हो, ऐसा नहीं मेरे, किसी भी मोटिवेशनल चैनल के जब तक आप लोग वीडियोस देखते हो तब तक तो आप लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मोटिवेटेड रहते हो, बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ लोगों के लिए वो 10 मिनट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो एक दिन, कुछ लोगों के लिए एक हफ्ता, उसके बाद वो फिर से डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कुछ भी एक एम है, ठीक है, आपने मेरा वीडियो देखना शुरू किया है, कोई भी वीडियो देखना शुरू किया, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में वो एम चलता रहता है और साथ में मेरा वीडियो चलता रहता है, वो दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं और आप उस एम के लिए मोटिवेटेड फील करते हो। तो वहाँ पे ये मोटिवेशनल वीडियो आपके काम आता है। क्यों? क्योंकि आपको एक पुश मिलता है कि हाँ मेरा जो एम है उसको मैं इस तरीके से हासिल कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप बाद में डीमोटिवेटेड फील करते हो। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो एम है, जो आपका जो भी कुछ डिज़ायर है, उसको लेकर आप उतना ज़्यादा पैशनेट नहीं। देखिए जैसे कि मेरा पैशन है वीडियो बनाना, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल कर चुके हैं कि यार रोज़ वीडियो क्यों बना रहे हो? अगर आपको रोज़ वीडियो नहीं देखना आप मत देखिए। मैं हो सकता है आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं उसे एक इंसान के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसको मेरे वीडियोज़ की ज़रूरत रोज़ पड़ती है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालूंगा तो सब कुछ कवर कर लूँगा। इस दुनिया में इतनी सिचुएशंस हैं, इतनी सारी सिचुएशंस हैं कि मैं चाहकर भी सब कुछ कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ और ये मेरा पैशन है। और क्योंकि ये मेरा पैशन है और मुझको ये काम करना पसंद है, इसलिए मैं इसको लेकर पूरे टाइम मोटिवेटेड रहता हूँ। मुझे अंदर से एक सेल्फ पुश मिलता है कि मुझे और कुछ होना हो ये काम ज़रूर करना है, और मुझे उसका रिजल्ट भी मिलता है फिर बाद में, इसलिए मैं रोज़ वीडियोज़ डालता हूँ। और इसी मेरे इसी पैशन में आपके पहले सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है कि आप लोग डिमोटिवेटेड इसलिए हो जाते हो क्योंकि आप अपने एम को लेकर उतने ज़्यादा पैशनेट नहीं हो। आपको अपने एम को लेकर एक ऐसी फीलिंग डेवलप करनी पड़ेगी, एक ऐसी सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि उठते बैठते सोते जागते आपके बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहे कि यार मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, कि यार मुझे ये बिज़नेस सेटअप करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। आपके दिमाग में आपका जो एम है वो 24 घंटे रहना चाहिए कि अगर आपको सपना भी आए तो आपके एम का है, तभी आप मोटिवेटेड पूरे टाइम रहोगे। डीमो वाधवा ने मुझसे पूछा है कि हाउ टू किल सेल्फ डाउट एंड फियर। सेल्फ डाउट तब आता है जब हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसी चीज़ों को मानने लगता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो काम आप शायद उस काम में उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं, और सब लोगों ने आपको बोल दिया कि यार तुझे ये काम आता नहीं तो ये काम नहीं कर सकता, तो आपके अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाएगा कि यार उसने मुझको बोला है मैं ये काम नहीं कर सकता, तो हो सकता है मैं वाकई में ये काम ना कर सकता हूँ। ये होता है सेल्फ डाउट। आप दूसरों की सुनकर या फिर अपने आप के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर डाउट करने लगते हो। आपको वो चीज़ दूर करनी है, आपको दूसरों का नहीं सुनना। आपको एक फला काम है, ठीक है, वो काम आपको करना है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो काम आपसे होगा या नहीं होगा। चलिए मान लीजिए हम होगा वाली कंडीशन के साथ जाते हैं, तो हमने एक पर्सन से राय ली जिसको हम बहुत मानते हैं, उसने हमें कहा कि यार नमन तू ये काम शायद नहीं कर पाएगा, या इसको मैं अपने रियल लाइफ से रिलेट करूं तो जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे तो मेरे खास दोस्त ने मुझसे कहा था कि यार रहने दे, बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल्स हैं, तू तो गुम हो जाएगा इस भीड़ में। मैंने कहा ठीक है, 2 दिन तक सोचता रहा कि यार सही बोल रहा है वो। फिर मैंने कहा यार ठीक है, वो बोल रहा है कि तू सक्सेस नहीं कर पाएगा इस चीज़ में, कहा ठीक है अच्छी बात है, एक काम करते हैं ट्राई कर लेते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अपने को तो पहले से ही पता था कि नहीं होगा। मैंने वो काम किया और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। तो अगर मैंने उस दिन अपने दोस्त की सुन ली होती तो शायद मैं कभी चैनल शुरू ही नहीं करता। इसलिए जो आपको लग रहा है आप वो करो, सबकी सुनो ज़रूर पर करो अपने मन की। श्रेष्ठा ने पूछा है, सर आई हैव वेरी लेस विल पावर, व्हाट शुड आई डू। लेस विल पावर तो तब आती है जब आप अपने किसी भी एम को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल ना हो, या आप उसको लेकर उतने ज़्यादा डिज़ायरेबल पैशनेट ना हो, जो कि मैं हर चीज़ में कहता हूँ यार पैशन होना बहुत ज़रूरी है। विल पावर तभी आती है जब आपको किसी चीज़ को करने के लिए अंदर से वजह मिलती है, और वो वजह कब आएगी? जब आपको उस चीज़ को हासिल करने के लिए भी एक वजह होगी।
मान लीजिए कि आपको एक बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है? अब बिजनेस सेटअप करने का आपका आइडिया आपके अंदर में है, लेकिन आपको विल पावर नहीं आ रही कि यार ठीक है आज से शुरू कर देंगे, कल से शुरू कर देंगे, ये चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। इवेंचुअली आप इस चीज को टालते जाओगे, टालते जाओगे। इसको हम लोग दूसरी शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये आलस का भी एक दूसरा रूप होता है। हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, पूरे टाइम हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, कि हम लोग रियलिटी में अपनी बॉडी या फिजिकल वर्क तो कुछ करते ही नहीं। तो आलस का भी एक दूसरा कारण होता है कि हम लोगों की विल पावर आजकल बहुत कम हो चुकी है। आपका जो भी कुछ सपना है आपको उसको लेकर अपने पैशन को जगाना होगा, ताकि आपके अंदर वो एक आग, वो एक डिजायर आ सके कि मुझे ये फला काम करना है, मतलब करना है एट एनी कॉस्ट। अब इसके बाद में किसी की नहीं सुनने वाला, जी चीज ट्राई करके देखो आप। बिपिन देसाई ने पूछा है, हाउ टू ओवरकम फेलियर। फेलियर एक तरह से बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, मैं मानता हूँ, मतलब कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो बिना फेल हुए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप किसी चीज़ में फेल हो गए। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है जो हम कुछ सीखते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अगर आप कोई भी काम करते जाओगे और आप उसमें सक्सेसफुल होते जाओगे, तो मुझे नहीं लगता आप उसमें कुछ सीख पाओगे, क्योंकि आपको जो आता था आपने वही किया और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। आप सीखते तब हो जब आप कुछ करते हो और आप फेल हो जाते हैं। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसको एक पार्ट की तरह ही देखो। फेल अगर हो गए हो तो अगली बार नई स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ो, जरूर हासिल करोगे अपनी डिजायर्ड सक्सेस को। अर्जुन जैन ने कहा है कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। काम करना शुरू करो यार, जो करना है वो करो, सोचना बंद करो। सिंपल, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, आप सोच के क्या कर लोगे। काम करना है मतलब करना है। मूवी देखने अगर हमको 3 बजे का शो जाना रहता है, तो आप 12 बजे से बैठ के उसके बारे में सोचते नहीं हो, नहीं, आप टिकट करते हो और आप चले जाते हो। जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग, खत्म। इसमें कोई लॉजिकल साइंस नहीं है। कुलदीप जादौन ने हमसे पूछा है कि मैं अपने टारगेट के लूप में फंस गया हूं, उससे बाहर कैसे निकलूं। दिन रात कोशिश कर रहा हूं फिर भी सेम रिजल्ट। कुलदीप, आपने एक शब्द बहुत अच्छा यूज किया है और वो है लूप। जिन मेरे दोस्तों को लूप का मतलब नहीं पता है, लूप मतलब एक ही चक्र में घूमते जाना, घूमते जाना, घूमते जाना। कुलदीप, जैसे कि आप बता रहे हो कि आप बार बार कोशिश कर रहे हो फिर भी सेम रिजल्ट आ रहा है, इसको मैं ऐसे टर्म्स में समझाना चाहूँगा कि जैसे एक बच्चा है, वो हर साल एक ही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करता है, 65% स्कोर करता है। 65% एवरेज माना जाता है, मतलब ना तो कम और ना ही ज़्यादा। तो अगर अब उस बच्चे को एवरेज से ऊपर जाना है, तो उसको क्या करना होगा? उसको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। क्यों? क्योंकि उसको पास होना आता है, उसको एवरेज मार्क्स लाना आता है, पर कहीं कुछ कम कर रहा है वो, जिसके कारण कि वो उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसके लिए वो क्या कर सकता है? वो उन अपने सेम फील्ड के या अपनी क्लास के ही टॉपर्स से बात करे कि यार तुम क्या अलग कर रहे हो। वैसे ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि टॉपर्स क्यों बताएंगे आपको अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी। आप टीचर से बात करो, बिजनेस कर रहे हो तो अपने मेंटर से बात करो, या दूसरे बिजनेसमैन जो आपके साथ वाले हैं उनसे बात करो कि यार मैं इस फील्ड में हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा हूँ, या फिर भी मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ। आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प करेगा। ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितनी हम सोचते हैं, मदद करने वाले आज भी मौजूद हैं। चेतन अहिराव ने पूछा है, पढ़ाई करते वक्त नेगेटिव थॉट्स आते हैं। यार नेगेटिव थॉट्स जब भी आए ना, अपने उस एम के बारे में सोचो कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स नहीं है। चेतन अहिराव ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। यार चेतन, मैं इतने सारे क्वेश्चंस का तो आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा, बट फिर भी कोशिश करूंगा कि आगे की वीडियोज़ में आपके इन टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। चिन्मय चौहान ने पूछा है, सर आपसे फेस टू फेस बात करनी है। तो यार मुझसे फेस टू फेस बात करने के लिए आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, उनका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। पर वहाँ भी फेस टू फेस तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ इंस्टेंटली अगर आप मैसेजिंग पे बात करना चाहते हो, तो मैं रात को जब 9:30 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसके बाद जनरली मैं 1 से 1.5 घंटा इसी चीज़ को देता हूँ, तो आप उस टाइम मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। विशाल प्रजापति ने पूछा है कि सर व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन। मेरी इंस्पिरेशन दो चीज़ें हैं। पहली ये कि जब मैं मुंबई में था, तब मैंने वहाँ गरीबी को देखा कि इंसान को ज़िंदगी में सब कुछ बनना चाहिए, पर शायद गरीब नहीं बनना चाहिए। बाय चॉइस नहीं बनता है कोई भी गरीब, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ बहुत टच करी। तो पहली चीज़ ये थी, पहली सीढ़ी ये थी। और दूसरी सीढ़ी ये थी कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा कि लोग गरीबी से जो लड़ रहे हैं उनको तो कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट कर सकूँ। तो मेरी इंस्पिरेशन इन दी एंड वही है कि मैं लोगों को कोशिश करना चाहता हूँ कि किसी तरीके से मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। बस कोई एनजीओ नहीं है मेरा, मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं खुद ही इंडिपेंडेंटली काम करता हूं। तो
जो भी है बस यही है, यही मेरी इंस्पिरेशन है कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। सुजाल गुप्ता ने पूछा है कि सर आप कहाँ रहते हो? यार मैं भोपाल में रहता हूँ, और बेसिकली भोपाल इंदौर ये दो जगह से मैं ऑपरेट करता हूँ अपने पूरे काम। टेक्नोटेक 2 ने पूछा है कि आप बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? तो यार आप अगर मेरे को इतना फॉलो कर रहे हो कि आपको पता चल रहा है कि मैं बीच बीच में गायब हो रहा हूँ, तो आप ये भी देख रहे हो कि मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ। होता क्या है, एक फटीक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे इंसान को लगता है कि यार अब नहीं, अब बस। ये पॉइंट भी मेरे साथ 45 से 50 दिन में एक बार आता ही है, और अभी तो बीच में खैर मैं इसलिए गायब हो गया था क्योंकि मेरे को 2-3 टूर पे जाना था, कोई प्रोफेशनल टूर नहीं था, मुझे घूमने ही जाना था। मैंने लद्दाख का वीडियो भी अपलोड किया था, तो बस वो घूमने फिरने के चक्कर में, उसी की प्रिपरेशन के चक्कर में मैं नहीं वीडियोज़ अपलोड कर पाया रेगुलरली, तो बस यही रीज़न है। मेगा मिस्ट्री ने पूछा है कि जितना भी पढ़ो पेरेंट्स को कम ही लगता है। पेरेंट्स को अगर आप रिजल्ट ला के दोगे तो वो कभी आपको नहीं बोलेंगे कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। ऑब्वियसली गलत आदत में टोकेंगे, और वो उनका फ़र्ज़ भी है और वो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप गलत आदतों में मत पड़ो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और फिर भी पेरेंट्स डांट रहे हैं, तो आप रिजल्ट ला के दो। रिजल्ट ला के दोगे तो आपके पेरेंट्स आई एम श्योर कुछ नहीं बोलेंगे। कपिल शर्मा ने मुझसे पूछा है कि जब पढ़ाई करते टाइम पॉर्न एडिक्शन के बारे में, उनने पूछा है कि जब सेक्स के बारे में हमारा ध्यान जाता है या उस तरफ जाता है, तो यार ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। जितनी इजीली अवेलेबल आजकल पॉर्न हो चुका है, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट पे उससे आप टकरा ही जाओगे, कितना ही बच लो आप उससे नहीं बच सकते। इसके लिए यार मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है पॉर्न एडिक्शन के ऊपर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ अच्छे सॉल्यूशंस दिए हैं, प्लस उसे कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने ही बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस दिए हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी जाके पढ़ें लोगों के सजेशंस को। और अभी भी अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है, तो इस वीडियो के कमेंट में भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि यार पॉर्न एडिक्शन से बचने के क्या तरीके हैं, प्लस मैं वो वीडियो ज़रूर शेयर कर दूंगा। अनमोल सहाय पूछ रहे हैं कि हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यार सुबह उठने का तो मेरे को एक ही तरीका समझ में आता है कि तुम्हारे पास कोई वजह होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे पास वजह नहीं है, तुम उठने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो पाओगे कि मुझे 5 बजे उठना है। यू हैव टू फाइंड अ रीज़न, अ स्ट्रांग रीज़न टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड यू हैव टू फाइंड द रीज़न। नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। सौरभ दुबे ने पूछा है कि इस दुनिया को कैसे साबित करें कि आई एम द बेस्ट। यार सौरभ, कोई भी किसी से बेस्ट नहीं है, कोई शेर है तो कोई सवा शेर है, बस इतना ही अंतर है। आप कुछ अचीव करोगे तो आपसे ज़्यादा भी कोई ना कोई अचीव ज़रूर करेगा। आपको किसी और को अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप को प्रूफ करो कि आप अच्छे हो। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे आज तक जो भी कुछ चीज़ें समझ में आई हैं उसमें यही है कि अगर मैं सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं कभी किसी और को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वो किसी मूवी का डायलॉग है ना कि अपने आप को खुश रखो, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। LNM प्रोडक्शन ने पूछा है कि भाई हमेशा कुछ भी प्लानिंग करो तो एक बार डर लगता है कि ये प्लानिंग अगर फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसे ही कुछ उनका सवाल है। तो यार प्लानिंग करते टाइम कोई नहीं बता सकता कि आप सक्सेस हो गए उस प्लानिंग में कि नहीं हो गए। यू हैव टू अप्लाई इट। कोई भी प्लान बिना अप्लाई किए नहीं पता चलता कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, और अगर फेल होने का इतना ही डर है तो फिर प्लानिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। चलोगे नहीं तो गिरोगे ही नहीं, बात सिंपल सी है। भविष्य अमरीश ने एक बुक का रिव्यू करने को कहा है, मिलेनियर सक्सेस हैबिट। तो यार मैं इसका रिव्यू जल्दी ही करूँगा, अभी मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इंदौर में हूँ अभी मैं। जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ मैं इस बुक का रिव्यू ज़रूर करूँगा, क्योंकि इस बुक को मेरे को 2-3 लोगों ने रिकमेंड किया है, तो मैं ज़रूर इसका रिव्यू करूँगा। तो यार आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन अपन कवर करते हैं, और कोशिश करूँगा कि अब से मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बना सकूँ जिसमें कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ, और होपफुली ये चीज़ मैं कर पाऊँ, क्योंकि हो नहीं पाता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे सजेशंस भी मिले हैं इस चीज़ को लेकर, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ पे। आप लोग अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछते रहें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। और ये वीडियो वाला जो कॉन्सेप्ट है हर वीक में Q&A करने का, वो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि परेशानी इस दुनिया में बहुत हैं, आप और हम मिलकर ही एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ और वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ अपने दूसरे चैनल पर जिसका नाम है नमन शर्मा टॉक्स, उसमें मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। आपको लाइफ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर मैं उसी पे वीडियोस बना के डाला करूँगा, क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी है मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहा हूँ, तो मैं इसको मिक्सअप करना नहीं चाह रहा। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा, इसलिए मैं उस दूसरे चैनल पे और वीडियोस अपलोड करना जल्दी ही शुरू करूँगा। उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर आपके पास सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि उस पर मैं और कैसे वीडियोज़ डाल सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।